मई 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना देश भर के साथ ही उत्तराखंड के उन लोगों के सपनों को पूरा कर रही है जिनके पास सिर छुपाने तक की जगह नहीं थी। आज ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिल रहे हैं। पौड़ी जिले के कोटद्वार नगर क्षेत्र में लगभग 1200 से अधिक लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में आ चुके हैं। इनमें से अधिकांश लोगों को पक्का मकान भी मिल चुका है। नगर आयुक्त वैभव गुप्ता ने बताया है कि इस योजना के तहत पात्र लोगों को आवास दिए जा रहे हैं। विशेषकर बोक्सा जनजाति के लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। समय समय पर वहां कैंप लगाकर लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है। उनका कहना है कि कुछ लोगों के पास अभी पूरे कागजात नहीं है। औपचारिकताएं पूरी करके शत प्रतिशत लोगों को इसका लाभ दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारी जो नई डीपीआर है उसमें करीब 1200 से ज्यादा के करीब आवासों की पूरी उसमें सर्वे हो चुका है और तो उसकी डीपीआर सेंक्शन होने के लिए शासन में जा चुकी है। इसके अलावा हमारे पास जो पुराने जितने भी आवास सेंक्शन थे उसमें से लगभग 500 के करीब उसमें कंप्लीट हो गए हैं। तो उन सबको जो भी उनका इस पर नॉर्म्स 2 लाख की जो राशि है वो दे दी गई है। और उसके अलावा जो बाकी जो आवास हैं उसमें वो अलग अलग स्टेजेस पे कंप्लीशन के अलग स्टेजेस पे हैं तो उसके हिसाब से उनको धनराशि वितरित किया चुकी है। जहाँ तक बोक्सा जनजाति की बात है तो वहाँ पर हमारे 5 जो मेनली जो मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पर बोक्सा जनजाति के लोग हैं तो वहाँ पर करीब 272 हमारे हाउस होल्ड्स हैं। तो उन सबका भी सर्वे हो गया है। उसमें 72 के करीब जो हाउस होल्ड्स हैं उनको पहले ही सर्वे में कवर किया चुका है। वहीं बोक्सा जनजाति बाहुल शिवराजपुर निवासी दिलीप सिंह का कहना है कि उन्हें अपना मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल चुका है। आज वो अपने परिवार के साथ उसी आवास में रह रहे हैं और बहुत खुश हैं। अप्लाई किया उसके बाद हमें 19-20 का वो था, ये हमारा 19-20 में हमारा ये आवंटित हो चुका था 2019-20 में। और इसमें जो है हमें स्वीकृति 2 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है, जिसमें पहली किस्त 20,000 की आई थी, दूसरी 60,000 की, फिर तीसरी भी 60,000 की, इस तरीके से 3 किस्त 60,000 की आई है। अब अच्छा लग रहा है हमें, बहुत अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने दिल से हृदय से बहुत बहुत आभार। वहीं सुबेर सिंह का कहना है कि पहले उनका मकान कच्चा था, झोपड़ी में रहते थे, जंगली जानवरों का डर तो लगा ही रहता था, बारिश के मौसम में बहुत परेशानियां होती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलने से सारी दिक्कतें दूर हो गई हैं। मेरा मकान बहुत कच्चा था, झोपड़ी टाइप का था, आज मुझे पक्का मकान मिला है प्रधानमंत्री आवास की तरफ से जी, तो आज मुझे अच्छा लग रहा है। और मुझे टाइम टाइम से किस्त मिली है, जिसमें जो मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभारी हूँ। और वहीं शिवराजपुर निवासी कुंवर सिंह और राजेश सिंह का कहना है कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। बरसात, गर्मी और जाड़े में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आवास मिलने के बाद सभी समस्याओं का निराकरण हो गया है। प्रधानमंत्री आवास मुझे मिला है और अब थोड़ा सुधार हो चुका है। पहले कच्ची झोंपड़ी में रहते थे और अब थोड़ा सा ज़रा सुधार है, बच्चे भी अपने थोड़ा चैन से बनते हैं। ठंडे में जाड़े से वैसे ही परेशान थे, मतलब झोंपड़ी में रहा नहीं जाता था, हर चीज़ से परेशानी थी। गर्मियों में भी वही हाल था, बरसात में बरसात तो बरसात ही, जब झोंपड़ी थी तो सारा छप्पर भी टूटता था। सर, ये प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा बहुत जर्जर मकान था, बहुत गिरने वाला था, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला है।